मुंगेर को मिलेगी हावड़ा के लिए एक और नई ट्रेन और मुंगेर जिला के यात्रियों को इसका सीधा सुविधा मिलने वाला है। जानेंगे कब से यह ट्रेन चलेगी और इसके लिए क्या प्रस्ताव पेश किया गया है रेलवे बोर्ड में और कौन सी ट्रेन को लेकर के यह अपडेट निकल के सामने आ रहा है। पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। हावड़ा से भागलपुर तक चलने वाली ट्रेन नंबर 03015 अप में और ट्रेन नंबर 03016 डाउन में हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भले ही 21 जुलाई से शुरू हो रहा हो, लेकिन इस ट्रेन को विस्तार करने की बात लंबे समय से चल रही है। यह ट्रेन भागलपुर से 22 जुलाई से डेली चलेगी और दूसरे दिशा में यह ट्रेन हावड़ा से 21 जुलाई से चलाई जाएगी। अब मुंगेर जिला के यात्रियों को भी इस ट्रेन का सुविधा मिलने वाला है, क्योंकि अब जमालपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन की शुरुआत होगी। लेकिन इसको लेकर के प्रस्ताव में क्या कुछ पेश हुआ है यह जानेंगे अब आप इस वीडियो अपडेट में। वैसे तो जमालपुर से हावड़ा तक के लिए दो सीधी ट्रेनें हैं, जिनमें ट्रेन नंबर 03023 अप और डाउन में चलने वाली गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन और जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। ये दोनों ट्रेन भी प्रतिदिन चलती है, लेकिन जमालपुर से हावड़ा जाने के लिए ये दोनों ट्रेन लगभग 2.5 घंटे के मार्जिन में शामिल है और शाम में रवाना होती है। इसके अलावा गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर से संध्या 5 बजे हावड़ा के लिए खुलती है, तो जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस ट्रेन शाम में 7:30 बजे रवाना होती है। इसी प्रकार हावड़ा से चलकर हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 4:30 बजे आती है और जमालपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन भी सुबह 7 बजे के आसपास जमालपुर पहुँचती है। जबकि इन दोनों ट्रेनों के अलावा हावड़ा के लिए जमालपुर से कोई और डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ट्रेन की कमी के कारण इन दोनों ट्रेनों में अक्सर स्लीपर कोच में पैसेंजरों की मारामारी की स्थिति बनी रहती है और लोगों को रिजर्वेशन टिकट लेने में काफ़ी मशक्कत होता है। ऐसे में कवि गुरु एक्सप्रेस के परिचालन की सूचना से जमालपुर वासियों में एक प्रकार से अभी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि इस ट्रेन का परिचालन हावड़ा से भागलपुर के बीच ही किया जाएगा, लेकिन इस ट्रेन को एक्सटेंशन को लेकर के लंबे समय से मुंगेर के जमालपुर वासियों का इंतजार है। क्योंकि इस ट्रेन का एक्सटेंशन यहां से हो जाएगा तो यहां के यात्रियों को हावड़ा के लिए एक और नई ट्रेन मिलेगी, लेकिन इसके एक्सटेंशन के लिए रेलवे बोर्ड को पहले से ही प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उधर से जवाब नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में जब रेलवे इस पर मुहर लगा देगा, यानी कि इसके प्रस्ताव पर जब मुहर लगा देगा, तब यह ट्रेन हो सकता है कि जमालपुर से चले। लेकिन अभी फिलहाल यह ट्रेन भागलपुर से ही हावड़ा के लिए जाएगी। हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन, जो कि हावड़ा से 21 जुलाई को और दूसरे दिशा में यह ट्रेन 22 जुलाई से शुरू होगा। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।